महादेवगढ़ और हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस लेने की मांग की। इसी के साथ धनराज हत्याकांड और हापला दीपला हत्याकांड में जाकिर नाइक को आरोपी बनाने की मांग की। मुझे निवेदन है कि विगत कई वर्षों से खंडवा शहर में सीमी एवं अलगाववादी विचारधारा के लोगों द्वारा हिंदुओं की हत्या की साजिश की जा रही है। उसी तारतम्य में सड़ा अनाज चोरी, सीमेंट चोरी जैसी अनेक अनैतिक कार्य चलते रहते हैं। इसी वर्चस्व के चलते हाफिज नामक एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करता है। इसने कुछ अराजक तत्वों द्वारा षड्यंत्र करवा कर धनराज चनारे जो महादेवगढ़ लिखी भगवा टी शर्ट पहना था उसकी हत्या कर दी गई। महोदय, चूंकि महादेवगढ़ मंदिर द्वारा विगत कई वर्षों से समाज जागरण कर शहर के प्रत्येक मार्ग को आतंक से मुक्त करने के लिए परंपरागत अति प्राचीन अखंड मार्ग जो कि आपराधिक गतिविधियों का क्षेत्र इमलीपुरा से होकर समाप्त होता है जिसकी मांग की जा रही है। महोदय, जैसे कि हमारे द्वारा आने वाले वर्ष में से किसी भी हालत में झांकी अखंड मार्ग से निकालने की घोषणा की गई है जिसके कारण प्रशासन द्वारा दबाव बनाने का मौका देख एवं धनराज हत्याकांड को बैलेंस करने की नीयत से निखिल दीवारे एवं अमित जैन जो कि महादेवगढ़ के भक्त हैं उन्हें उठाकर हाथी हत्याकांड से जोड़कर झूठा प्रकरण बनाकर फंसाया गया। महोदय से निवेदन है कि शीघ्र ही हत्याकांड में हमारी मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, श्री महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुई धनराज हत्याकांड में जाकिर नाइक जो है कि ये भारत का भगोड़ा है और मलेशिया में आजकल रह रहा है, वो आरोपी बनाकर उक्त केस की आतंकवाद के तहत धारा लगाकर कार्यवाही की जाए। महोदय, दिनांक 10/8/2020 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में राजा उर्व फिरोज द्वारा अपने बयान में कहे अनुसार जाकिर नाइक के वीडियो देखकर उन वीडियो से प्रेरित होकर भगवा टी शर्ट पहने धनराज नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। महोदय, पूर्व में सन 2007 से लेकर 2011 तक खंडवा शहर में सिमी द्वारा 307 के अनेक मुकदमे एवं 28/11/2009 को तिहरे हत्याकांड जैसी अनेक घटनाएं की गई। उक्त सभी घटनाओं में सिमी आतंकी भी जाकिर नाइक के वीडियो देखकर ही प्रभावित हुए थे एवं देश की अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती देखते हुए नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। अतः इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवकों को उकसाने का काम भी करते थे। महोदय, लखनऊ में अमलेश तिवारी की हत्या करने वाले हत्यारे भी जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रेरित थे। महोदय, देश भर में एवं खंडवा में CAA एवं NRC के खिलाफ विरोध करने वाले सारे लोग सरदीन इमाम एवं जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित थे। महोदय, देश में कई जगह जैसे चेन्नई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIE द्वारा एक हाई प्रोफाइल लव जिहाद में जाकिर नाइक एवं पाकिस्तानी मूल के दो कट्टरपंथी धर्म प्रचारकों को आरोपी बनाया गया है। महोदय, ISIS के आतंकवादी भी जाकिर नाइक की विचारधाराओं से प्रेरित होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। विगत कई वर्षों से स्वीडन जैसे देश में भी जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रेरित लोगों द्वारा दंगे कर असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। महोदय, खंडवा में हुए हत्याकांड में भी सहयोगी द्वारा जाकिर है। आज दो विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। एक तो खंडवा में हमारे पास के गांव में हापला दीपला में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या की कर दी गई थी। उस हत्या के बाद योजनाबद्ध तरीके से मौका देख कर यहाँ पर एक माल गोदाम का क्षेत्र है जहाँ पर की वर्चस्व की लड़ाई बरसों से चलती आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई में एक हाफिज नामक ड्राइवर की हत्या हो गई। उस हाफिज नामक ड्राइवर की हत्या के बाद उसके सारे संकेत महादेवगढ़ की ओर भेजकर महादेवगढ़ के युवाओं को, हिंदू युवाओं को उस हत्याकांड में झूठा फंसाया गया और यहाँ तक कि उसमें हमारे निखिल देवारे और अमित जैन जिनकी अभी अरेस्ट हुई है, हम इन सभी अरेस्टियों के खिलाफ यहाँ पर आवेदन देने आए, ज्ञापन देने आए। हमारा कहना है कि ये सारे आरोप असत्य हैं।
बल्कि इन आरोपों में पुलिस प्रशासन द्वारा महादेवगढ़ के ऊपर के युवाओं को से जुड़े हुए भक्तों से, भाई मंदिर से तो सभी जुड़े रहते हैं, युवाओं को जब उठाया गया तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा, कुछ विघटनकारी शक्तियों द्वारा उसे हेतु बनाकर भी महादेवगढ़ की टी शर्ट, भगवा टी शर्ट जो कि हमारी हिंदुओं की भगवा कपड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस पर प्रहार किया गया, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या जो हुई राजा उर्फ फिरोज और उसमें अन्य आरोपी भी बने, उसमें उस फिरोज के द्वारा अपना बयान दिया गया कि जाकिर नाइक के वीडियो देखकर मैंने ये हत्या की। मतलब ये हत्या एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये आतंकवादी घटना है जिसमें एक आतंकवादी विचारों को पुष्ट करने वाले ऐसे लोग जो कि इस देश के संसद में, लोकसभा में पास हुआ प्रस्ताव CAA एवं NRC का विगत कई महीनों से विरोध कर रहे थे, दंगा करने की शहर में कोशिश कर रहे थे, मौका ढूंढा गया, योजना बनाई गई, मेरे एक छोटे भाई की धनराज की हत्या कर दी गई और हत्या में डंके की चोट पर वह राजा कबूल करता है कि मैंने जाकिर नायक के वीडियो से प्रभावित होकर हत्या की गई। तो हमारी मांग है कि ये मुंबई का भगोड़ा जो कि मुंबई के भिंडी बाजार में रहता था, कबाड़े के दुकानों के पास रहता था, ये आज अरबपति कैसे बन गया, ये मलेशिया कैसे पहुंच गया और असंख्य इस्लामिक स्टेटों में कट्टरपंथी इस्लाम के विचारधाराओं से प्रेरित कर पूरे विश्व में हत्याएं करवाना, बम विस्फोट करवाना, जघन्य जो देशभक्त समाज है उनकी हत्याएं करवाने में इस जाकिर नायक का ही हाथ है। तो जाकिर नायक के विचारों से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने जो यहाँ पर संगठन चला रहे हैं, इन युवाओं को प्रेरित किया, इनको बताया कि वीडियो देखो, खड़े हो इस्लाम के लिए, और इस्लाम के लिए यहाँ पर भगवा की हत्या की गई। तो हमारा यहाँ पर प्रशासन से महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि खंडवा में जो सतत निरंतर चीनी के कट्टरपंथी भी यहाँ पर हत्याओं का अंजाम देते थे, वो भी जाकिर नायक के विचारों से प्रेरित थे, और यह लोगों ने भी जाकिर नायक के विचारों से प्रेरित होकर हत्या की गई है। इसलिए आतंकवाद की धाराओं से इस केस को चलाया जाए और जाकिर नायक इस भारत के भगोड़े को देश में लाया जाए, यहाँ उसे खंडवा में भी अपराधी घोषित किया जाए। इसके लिए आज यहाँ पर महादेवगढ़ भक्त का, भोलेनाथ का भक्त है, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जन समुदाय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आया है, ये मांग करता है कि शीघ्र ही इन पर आतंकवाद के तहत कानून में केस चलाया जाए और जाकिर नायक को गिरफ्तार किया जाए और देशभक्तों से मुकदमे वापस लिए जाए।